कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के लिए वन विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। वन विभाग शाहपुर में 4 करोड़ लीटर क्षमता का जल भंडारण तैयार कर सिंचाई के साथ साथ टूरिस्ट डेस्टिनेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। इस जल भंडारण में बोट शुरू करके और आसपास पार्क विकसित कर पर्यटकों को आकर्षित किया जा सकता है। ये आपने बहुत ही रेलेवेंट सा प्रश्न यहाँ पे किया है। ये थोड़ा सा इससे हटके है। ये हमारे जो पानी के संवर्धन के लिए, क्योंकि हमारा जो लपियाना वाला क्षेत्र है ये चंगर क्षेत्र में आता है जहाँ पानी की कमी रहती है, तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने वन भूमि में जगह जगह जल भंडारण के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। तो ये वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लपियाना की आप अभी बात कर रहे हैं, तो इसका जो हमारा कैचमेंट एरिया है रनिंग मीटर लगभग 435 मीटर के आसपास इसमें जल संग्रहण हो रहा है अभी क्षेत्र में। तो ये लगभग 17 लाख की लागत में बनाया गया है। इसमें स्थानीय लोगों को हम चाह रहे हैं कि इको टूरिज्म के साथ भी जोड़ें इसमें, और लाइवलीहुड के साथ भी उनको जोड़ने का हमारा प्रपोजल है, जिसमें हम फिशरी विभाग के साथ मिलके इनको इसमें सीड्स डालेंगे। और यूज़र ग्रुप ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 बना दिए हैं, तो ये यूज़र ग्रुप जो है उनको थ्रू आउट द ईयर इसमें लाइवलीहुड मिलेगी। इसके साथ ही 2 गांव के लिए हमने इरीगेशन की सुविधा के लिए भी वहाँ पे प्रोविज़न रखा है, इनकेस अगर स्थानीय लोग हमारे यूज़र ग्रुप्स के माध्यम से वहाँ से अगर इरीगेशन की सुविधा जल लेना चाहते हैं तो वो भी हमने प्रोविज़न इसमें रखा है। तो आने वाले समय में ये भी इस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। यहाँ जो लपियाना क्षेत्र में ये वो कैच द रेन कैंपेन के तहत जो सेंटर से एक टीम आती है जो जल शक्ति विभाग के सौजन्य से यहाँ पे आती है, उन्होंने हमारी साइट्स देखी हैं और उनको उसकी उनकी प्रशंसा की है। साथ ही हमारा जो ये कंसेप्ट है जो हम माइक्रो लेवल पे वाटर कैचमेंट का वो जल संग्रहण का काम कर रहे हैं उसकी भी उन्होंने प्रशंसा की है और एक इसको एक एग्जाम्पलरी मॉडल बताया है।